मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है और मैं मथुरा से हूँ। और सबसे पहले तो मैं इस अवसर के लिए, इस मंच पर आने के लिए महेश कुमार सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया यहाँ आने का, अपनी बात कहने का। मुन्नी गुप्ता मैम भी जुड़ चुकी हैं, थैंक यू मैम। मैं कुछ कविताएं आपके साथ साझा करूंगा और बीच में आपके कमेंट भी आएंगे तो उन पर भी टिप्पणी होती रहेगी। बाकी फिजिकली तो मैं आपको देख नहीं सकता, लेकिन आपके कमेंट से ही मैं आपसे बात कर पाऊंगा। सतीश चंपा स्वागत, थैंक यू सर। क्या मुझे शुरू करना चाहिए, आप बता सकते हैं? बहुत ज़्यादा समय जाया ना करते हुए मुझे लग रहा है शुरू कर देना चाहिए आपकी इजाज़त हो तो। संतोष चौधरी, थैंक यू भैया। सोनम यादव, थैंक यू मैम। क्या मुझे शुरू कर देना चाहिए? जी सर, मैं सर कह रहे हैं शुरू करिए। थैंक यू सर, मैं शुरू करता हूँ। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि सात संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। मैं इसी शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि सात संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज दुनिया को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत, तो मैं मोहब्बत की कुछ बातों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि आज दुनिया को वैसे ही मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, तो मैं एक गज़ल के दो चार शेर पेश करता हूँ, उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। गजल का पहला शेर यह है कि क्या सहरा क्या जंगल पत्थर पानी है, क्या सहरा क्या जंगल पत्थर पानी है, रास्ते में एक ना एक चीज़ तो आनी है। क्या सहरा क्या जंगल पत्थर पानी है, रास्ते में एक ना एक चीज़ तो आनी है। मैं तो कब का दरिया पार गया होता, आने वालों को भी राह बतानी है। मैं तो कब का दरिया पार गया होता, आने वालों को भी राह बतानी है। जिसकी खातिर मैं पागल हूँ दीवाना, क्या वो मेरी भी खातिर दीवानी है? जिसकी खातिर मैं पागल हूँ दीवाना, क्या वो मेरी भी खातिर दीवानी है? तुम तो जैसे नई दुनिया की लगती हो, तुमको भी दुनिया की रस्म निभाने हैं। तुम तो जैसे नई दुनिया की लगती हो, तुमको भी दुनिया की रस्म निभानी है। तुम तो जैसे नई दुनिया की लगती हो, तुमको भी दुनिया की रस्म निभानी है। ना दीवार है ना ही कोई दरवाज़ा, ना दीवार है ना ही कोई दरवाज़ा, यही मेरे घर की एक निशानी है। ना दीवार है ना ही कोई दरवाज़ा, यही मेरे घर की एक निशानी है। तन्हाई में तो ये छांव भी अफसरदा, तेरा साथ जो हो तो धूप सुहानी है। तन्हाई में तो ये छांव भी अफसरदा, तेरा साथ जो हो तो धूप सुहानी है। और आखिरी शेर है इस गजल का कि तेरा हुस्न किसी भी शय पर भारी है। शय मतलब वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट। तेरा हुस्न किसी भी शय पर भारी है, तुझको चांद बता देना बेमानी है। तेरा हुस्न किसी भी शय पर भारी है, तुझको चांद बता देना बेमानी है। एक और गजल है, मैसर करें जबरदस्त शुरुआत, थैंक यू सर। उन्होंने साथ, थैंक यू भाई, लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। एक गज़ल के और चंद शेर हैं कि मुझको ये सब क्या लगता है मेरी जान,
मुझको ये सब क्या लगता है मेरी जान, मुझको ये सब क्या लगता है मेरी जान, सबका सब धोखा लगता है मेरी जान, मुझको ये सब क्या लगता है मेरी जान, सबका सब धोखा लगता है मेरी जान, ऐसी वैसी बातें करना सबका सब साजिश का हिस्सा लगता है मेरी जान, ऐसी वैसी बातें करना सबका सब साजिश का हिस्सा लगता है मेरी जान, मुझको जैसे तुझमें रब दिख जाता है, मुझको जैसे तुझमें रब दिख जाता है, तुझको भी ऐसा लगता है मेरी जान, मुझको जैसे तुझमें रब दिख जाता है, तुझको भी ऐसा लगता है मेरी जान, तू अक्सर जब गुमसुम सी हो जाती है सच में बहुत बड़ा लगता है मेरी जान, तू अक्सर जब गुमसुम सी हो जाती है सच में बहुत बुरा लगता है मेरी जान, देख शहर के क्या हालात बने हैं अब, देख शहर के क्या हालात बने हैं अब, आँखों में धुआं लगता है मेरी जान, देख शहर के क्या हालात बने हैं अब, आँखों में धुआं लगता है मेरी जान, एक रूह और दो जिस्मों में हम दोनों, कभी कभी ऐसा लगता है मेरी जान, एक रूह और दो जिस्मों में हम दोनों, कभी कभी ऐसा लगता है मेरी जान, दुनिया इतनी बदल गई कि पूछो मत, दुनिया इतनी बदल गई कि पूछो मत, अब तो जहर दवा लगता है मेरी जान, तुमको तो वह शेर सुनाई देता है, ये शेर है, तुमको तो वह शेर सुनाई देता है, शेर में जो खर्चा लगता है मेरी जान, मोनिशाधा मेरी जान, संतोष चौधरी ज़्यादा मत हिल डुल, ठीक है, एक गज़ल के चंद शेर और हैं, आँखों में धुआं लगता है मेरी जान, मैं इससे थैंक यू सर, आपको अच्छा लग रहा है, अगर ये मज़हब ये सब जात नहीं होती, अगर ये मज़हब ये सब जात नहीं होती, होती पर ऐसी हालात नहीं होती, अगर ये मज़हब ये सब जात नहीं होती, होती पर ऐसी हालात नहीं होती, जिससे बातें करने को दिल करता है, जिससे बातें करने को दिल करता है, उससे ही बस दिल की बात नहीं होती, अगर ये मज़हब ये सब जात नहीं होती, होती पर ऐसी हालात नहीं होती, जिससे बातें करने को दिल करता है, उससे ही बस दिल की बात नहीं होती, ये बादल क्या तुमसे मिलकर आते हैं, ये बादल क्या तुमसे मिलकर आते हैं, जब मौसम हो तब बरसात नहीं होती, ये बादल क्या तुमसे मिलकर आते हैं, जब मौसम हो तब बरसात नहीं होती, दुनिया सिमट गई है लेकिन सच ये है, इस गज़ल का आखिरी शेर है, दुनिया सिमट गई है लेकिन सच ये है, घर के अंदर घर से बात नहीं होती, दुनिया सिमट गई है लेकिन सच ये है, घर के अंदर घर से बात नहीं होती, ये दो तीन गज़ल मैंने अब तक आपको सुनाई है, आपका अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, सोनम यादव थैंक यू, आपको अच्छा लग रहा है, एक गज़ल और है, मोहब्बत होने को अब भी अजारी, मोहब्बत होने को अब भी अजारी, थैंक यू सर, मैं सर कह रहे हैं कमाल, थैंक यू सर, मोहब्बत होने को अब भी अजारी, फकत बातें नहीं होती हमारी, मोनू भाई की फरमाइश है, यूनिवर्सिटी वाली बोल दे भाई एक, ठीक है भाई कोशिश करूँगा अगर समय रहा तो, मोहब्बत होने को अब भी अजारी, फकत बातें नहीं होती हमारी, मोहब्बत होने को अब भी अजारी, फकत बातें नहीं होती हमारी, कहाँ गुम हो कि ढूंढे जा रहा हूँ, कहाँ गुम हो कि ढूंढे जा रहा हूँ, खबर मिलती नहीं कुछ भी तुम्हारी, कहाँ गुम हो कि ढूंढे जा रहा हूँ, खबर मिलती नहीं कुछ भी तुम्हारी, तुम्हें देखा तो फिर ये याद आया, तुम्हें देखा तो फिर ये याद आया, जहन से क्यों नहीं जाती खुमारी, तुम्हें देखा तो फिर ये याद आया, जहन से क्यों नहीं जाती खुमारी, हमारे दरमियाँ कुछ भी नहीं है, हमारे दरमियाँ कुछ भी नहीं है, हमारे दरमियाँ है दुनियादारी,
हमारे दरमियाँ कुछ भी नहीं है, हमारे दरमियाँ है दुनियादारी। मरना भी हमारा लाजमी था, मरना भी हमारा लाजमी था, क़यामत हुई तुम सारी की सारी। मरना भी हमारा लाजमी था, क़यामत हो ही तुम सारी की सारी। होने को तो हैं बेहद सुनहरे, होने को तो हैं बेहद सुनहरे, मगर ये ख्वाब हैं आँखों पे भारी। होने को तो हैं बेहद सुनहरे, मगर ये ख्वाब हैं आँखों पे भारी। हमारा तल्ख लहजा शौक है क्या, ये इसका आखिरी शेर है। हमारा तल्ख लहजा शौक है क्या, हमारा तल्ख लहजा शौक है क्या, मगर मजबूरियाँ समझो हमारी। दीपक सिंह, थैंक यू भाई। सत्यम त्रिपाठी भैया भी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ सारंग भी है, काफ़ी लोग आ चुके हैं अब तो। अच्छा, आपके कमेंट भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको। रश्मि रूपम भी हैं, थैंक यू। मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ आपको यहाँ पे। वो पिछले दिनों लिखी गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपसे साझा करूँ। बहुत छोटी सी नज़्म है। तुझको देखते देखते, प्रवीण पांडे थैंक यू भाई, शुक्रिया भाई। तुझको देखते देखते आँखें भर आती थीं, लेकिन दिल भर आने का नाम नहीं था। तुझको देखते देखते आँखें भर आती थीं, लेकिन दिल भर आने का नाम नहीं था। कितनी शाम के कितने घंटे एक लम्हे में आ सिमटे, तुझको देखना मुझको यूं लगता था जैसे कोई मुसाफिर कड़ी धूप में चलकर एक झरने पर आए प्यास मिटे। सत्यम त्रिपाठी थैंक यू भैया। तुझको देखते देखते आँखें भर आती थीं, लेकिन दिल भरने का नाम नहीं था। कितनी शाम के कितने लम्हे एक घंटे में आ सिमटे, कितनी शाम के कितने घंटे एक लम्हे में आ सिमटे। तुझको देखना मुझको यूं लगता था जैसे कोई मुसाफिर कड़ी धूप में चलकर एक झरने पर आए प्यास मिटे। तुझको देखना आधी रात में पूरे चांद का होना, तेरा छत पे होना आधी रात में पूरे चांद का होना। तू मुस्काई तेरे साथ की सारी चीज़ें, ये लकड़ी, ये ईंट, ये पत्थर, ये खिड़की, ये दीवार उधर, मानो सब मुस्काते थे, दुनिया भर के सारे गम मर जाते थे। तेरे होते कभी मोर छत पर नहीं आए, तेरे होते कभी मोर छत पर नहीं आए। जानते थे कि तेरे मुकाबिल उनका फीका पड़ना तय है। अब शाम हुए आ जाते हैं, सोचते होंगे इस लड़के को थोड़ा बहुत सुकून मिले। तेरे होते कभी मोर छत पर नहीं आए, जानते थे कि तेरे मुकाबिल उनका फीका पड़ना तय है। अब शाम हुए आ जाते हैं, सोचते होंगे इस लड़के को थोड़ा बहुत सुकून मिले। अब क्या ही बताऊं, अब क्या ही बताऊं, सबका सब अच्छा है लेकिन एक तेरे ना होने भर से। अब क्या ही बताऊं, सबका सब अच्छा है लेकिन एक तेरे ना होने भर से। सबका सब खामोश है, मेरी आंखों में मायूसी है। युवान गौतम, बहुत खूब, थैंक यू भाई। ये एक नज़्म थी जो मैं आपको सुना रहा था अभी। मैसर कह रहे हैं तुम्हारे मोर मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हाँ सर, आपको पता है बातें करते हैं तो आवाज़ जाती रहती है उनकी। एक गज़ल और है, मोहब्बत के नाम ही है। प्रमोद भाई भी जुड़ चुके हैं, काफ़ी लोग हैं अब तो। इसका मतलब है कि वही गाने पुराने गा रहे हैं, वही गाने पुराने गा रहे हैं, तेरी यादों से दिल बहला रहे हैं। वही गाने पुराने गा रहे हैं, तेरी यादों से दिल बहला रहे हैं। हमारे दुख बड़े ही मस्खरे हैं, हमारे दुख बड़े ही मस्खरे हैं, हम ही को देख कर मुस्का रहे हैं। वही गाने पुराने गा रहे हैं, वही गाने पुराने गा रहे हैं, तेरी यादों से दिल बहला रहे हैं। हमारे दुख बड़े ही मस्खरे हैं, हम ही को देख के मुस्का रहे हैं। मैं पागल हूँ तो मेरा दोष क्या है, मैं पागल हूँ तो मेरा दोष क्या है, मैं पागल हूँ तो मेरा दोष क्या है, तेरे पीछे तो सब पगला रहे हैं। मैं पागल हूँ तो मेरा दोष क्या है,
तेरे पीछे तो सब पगला रहे हैं, शिकारी ताक में हैं और ये क्या, शिकारी ताक में हैं और ये क्या, कबूतर दाना लेने जा रहे हैं। शिकारी ताक में हैं और ये क्या, कबूतर दाना लेने जा रहे हैं। हमें मालूम कुछ भी तो नहीं है, हमें मालूम कुछ भी तो नहीं है, मगर हम हैं कि पर समझा रहे हैं। हमें मालूम तो कुछ भी नहीं है, मगर हम हैं कि पर समझा रहे हैं। हमारे सामने रास्ते ही रास्ते, हमें मालूम तो कुछ भी नहीं है, मगर हम हैं कि पर समझा रहे हैं। हमारे सामने रास्ते ही रास्ते, ये रास्ते ही हमें भटका रहे हैं। देवेश कुमार, थैंक यू भाई। ये गज़ल थी जो मैंने आपके हवाले कर दी। ये सारी मोहब्बत की मिली जुली गज़लें थीं, शिकारी और कबूतर। मैं सर, थैंक यू सर, शुक्रिया सर। अभी हाल फिलहाल में ये तो मैंने मोहब्बत की जो दो चार एक नज़म थी, दो चार गज़लें थी, वो मैंने आपको सुना दी। देवेश कुमार राहत साहब को सुना दो भाई। हाँ, हमारे राहत इंदौरी बहुत अजीज शायर, मैंने तो उन्हें दो बार सुना है मैंने रूबरी हो के, और उन्हें काफ़ी पढ़ा भी है। उनको सुन के हमने लिखना सीखा। वो दो तीन दिन पहले यहाँ इस दुनिया से रुखसत हो गए, बहुत दुख हुआ। राहत इंदौरी साहब का मैं सुना देता हूँ भाई, आपने फरमाइश किया तो। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर था कि वो, किसने दस्तक दिए दिल पर कौन है, किसने दस्तक दिए दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। ये राहत साहब का शेर था। शेर है, शेर तो हमेशा मौजूद रहेगा। राहत साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा अपने शब्दों के माध्यम से इस दुनिया में रहेंगे। वह पांडे, थैंक यू भाई। सुनील चौधरी, बहुत अच्छा भाई, थैंक यू भाई सुनील। एक अभी जो हाल फिलहाल का जो माहौल है, मैं उस पर भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। अभी प्रशांत भूषण का और डॉक्टर कफील का जो मामला है, दोनों पता नहीं किस बात की सजा भुगत रहे हैं बेचारे। तो मैं उस विषय पर कुछ एक दो शेर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये अच्छा माहौल नहीं है मेरे दोस्त, ये अच्छा माहौल नहीं है मेरे दोस्त, ये अच्छा माहौल नहीं है मेरे दोस्त, जिंदा हैं पर बोल नहीं है मेरे दोस्त। ये अच्छा माहौल नहीं है मेरे दोस्त, जिंदा हैं पर बोल नहीं है मेरे दोस्त। अरे गरे कातिल बातिल सबको है, अरे गरे कातिल बातिल सबको है, बस हमको पैरोल नहीं है मेरे दोस्त। अरे गरे कातिल बातिल सबको है, बस हमको पैरोल नहीं है मेरे दोस्त। ज्योति सिंह मोर भी आ गए, अरे चले भी गए। अरे गरे कातिल बातिल सबको है, बस हमको पैरोल नहीं है मेरे दोस्त। अरे गरे कातिल बातिल सबको है, बस हमको पैरोल नहीं है मेरे दोस्त। मैं जैसा हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझ पर कोई खोल नहीं है मेरे दोस्त। जिंदा हैं पर बोल नहीं है मेरे दोस्त। शुक्रिया सर। अरे गरे कातिल बातिल सबको है, बस हमको पैरोल नहीं है मेरे दोस्त। मैं जैसा हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझ पर कोई खोल नहीं है मेरे दोस्त। अपना लिखा फेंक रहा हूँ कूड़े में, अपना लिखा फेंक रहा हूँ कूड़े में, यानी कोई बोल नहीं है। अपना लिखा फेंक रहा हूँ कूड़े में, यानी कोई मोल नहीं है मेरे दोस्त। अपना लिखा फेंक रहा हूँ कूड़े में, यानी कोई मोल नहीं है मेरे दोस्त, यानी कोई मोल नहीं है मेरे दोस्त। आओ तुम भी पेड़ परिंदे देखोगे, आओ तुम भी पेड़ परिंदे देखोगे, गांव में अब भी मोल नहीं है मेरे दोस्त, गांव में अब भी मोल नहीं है मेरे दोस्त। और इस गज़ल का आखिरी शेर है कि दुनिया भर के जाहिल उससे डरते हैं, दुनिया भर के जाहिल उससे डरते हैं, गांधी पर पिस्तौल नहीं है मेरे दोस्त। दुनिया भर के जाहिल उससे डरते हैं, गांधी पर पिस्तौल नहीं है मेरे दोस्त। बे पांडे, थैंक यू भाई, आपने कहा है, आपकी फरमाइश है, वादे करते जाने हैं, मैं उस पर भी आऊँगा।
निखिल भैया, थैंक यू भैया, प्रमोद कुमार, थैंक यू भाई, बहुत शानदार, बहुत सुंदर मारक भी, थैंक यू सर, थैंक यू युवान गौतम, नवीन भाई, पांडे जी की फरमाइश थी, तुमको क्या है वादे करते जाने, मैं वही सुना देता हूँ। ये इसके भी इसमें 8-9 शेर हैं इस गज़ल में कि तुमको क्या है वादे करते जाने हैं, तुमको क्या है वादे करते जाने हैं, वादे करके आखिर नहीं निभाने हैं, तुमको क्या है वादे करते जाने हैं, वादे करके आखिर नहीं निभाने हैं, जानते सब हैं खातिल है पर क्या कीजिए, जानते सब हैं खातिल है पर क्या कीजिए, फिर भी लोग तो उसके ही दीवाने हैं। निखिल भैया थैंक यू। तुमको तो बस वादे करते जाने हैं, तुमको क्या है वादे करते जाने हैं, वादे करके आखिर नहीं निभाने हैं, जानते सब हैं कातिल है पर क्या कीजिए, लोग तो फिर भी उसके ही दीवाने हैं। 2-4 किताबें एक कमरा और मैखाना, 2-4 किताबें एक कमरा और मैखाना, यही सब तो अपने ठौर ठिकाने हैं, 2-4 किताबें एक कमरा और मैखाना, यही सब तो अपने ठौर ठिकाने हैं, यही सब तो अपने ठौर ठिकाने हैं, सबके सब तो सौदा करने बैठे हैं, सबके सब तो सौदा करने बैठे हैं, आखिर किसको पैसे नहीं कमाने हैं, सर पर साया हमको अच्छा लगता है, सर पर साया हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमको पौधे नहीं लगाने हैं, सर पर साया हमको अच्छा लगता है लेकिन हमको पौधे नहीं लगाने हैं, यादों का सामान बहुत है मेरे पास, यादों का सामान बहुत है मेरे पास, कुछ नगमे हैं कुछ तेरे अफसाने हैं। जन सरोकार मंच, थैंक यू। 2-4 किताबें एक कमरा वो मैखाना, यही सब तो अपने ठौर ठिकाने हैं, सर पर साया हमको अच्छा लगता है लेकिन हमको पौधे नहीं लगाने हैं, यादों का सामान बहुत है मेरे पास, कुछ नगमे हैं कुछ तेरे अफसाने हैं, अपना जलवा भी तो तब तक कायम है, अपना जलवा भी तो जब तक कायम है, अपना जलवा भी तो जब तक कायम है, जब तक हमको लोग नहीं पहचाने हैं। मैं सर थैंक यू सर, हमको पौधे नहीं लगाने हैं, थैंक यू सर। सर पर साया हमको अच्छा लगता है लेकिन हमको पौधे नहीं लगाने हैं, अपना जलवा भी तो तब तक कायम है जब तक हमको लोग नहीं पहचाने हैं, जालिब इनको पहले ही पहचान गए, जालिब इनको पहले ही पहचान गए, बेबस लोगों पर बंदूकें ताने हैं, जालिब इनको पहले ही पहचान गए, बेबस लोगों पर बंदूकें ताने हैं। जालिब हबीब जालिब जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर शायर थे, उनकी एक नज़्म थी, नज़्म है जाग मेरे पंजाब, उसमें एक जगह जिक्र आता है जब उसे पढ़ते हैं कि जिनको जात का गम है सब बेमाने हैं, बेबस लोगों पर बंदूकें ताने हैं। तो मैंने वहीं से शेयर करने की कोशिश की है कि जालिब इनको पहले ही पहचान गए, ये बेबस लोगों पर बंदूकें ताने हैं, जालिब इनको पहले ही पहचान गए, बेबस लोगों पर बंदूकें ताने हैं, जिस दिन ये बीमारी हद से पार गई जब तक हमको लोग नहीं पहचाने हैं, जालिब इनको पहले ही पहचान गए, बेबस लोगों पर बंदूकें ताने हैं, जिस दिन ये बीमारी हद से पार गई, जिस दिन ये बीमारी हद से पार गई, उस दिन सारे चारागर मर जाने हैं, चारागर मीन्स डॉक्टर्स, जिस दिन ये बीमारी हद से पार गई उस दिन सारे चारागर मर जाने हैं, जिसने भी दुनिया का ऐसा हाल किया, जिसने भी दुनिया का ऐसा हाल किया, वो दुनिया के केवल चंद घराने हैं, जिसने भी दुनिया का ऐसा हाल किया वो दुनिया के केवल चंद घराने हैं। ये इसका आखिरी शेर था, महेश कुमार, मैं नहीं मानता, ये भी बहुत 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 ही शानदार नज़्म है गालिब साहब की, सोनम यादव, वेल थैंक यू मैम, दया पांडे, जब तक हमको लोग नहीं पहचाने, थैंक यू भाई। ये आखिरी शेर था इसका कि जिसने भी दुनिया का ऐसा हाल किया वो दुनिया के आखिर चंद घराने हैं। आपके आपकी प्रतिक्रिया देख के मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। एक दो अभी वक्त कितना हुआ है ये तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है, इसमें कितना टाइम हो चुका है।
लेकिन आपकी प्रतिक्रिया से लग रहा मुझे कंटिन्यू करते रहना चाहिए अभी। प्रवीण भाई की फरमाइश है, जिस रास्ते से मैं चला कहीं उरूज था कहीं जवाल है। मुझे इसके दो शेर याद आ रहे हैं, प्रवीण भाई ने याद दिला दिए, तो मैं पहले मैं ऐसे कर देता हूँ कि जिस रास्ते से मैं चला कहीं उरूज था कहीं जवाल है, जिस रास्ते से मैं चला कहीं उरूज था कहीं जवाल है, जिस रास्ते से मैं चला कहीं उरूज था कहीं जवाल है, जो सवाल पहले सवाल था वो सवाल अब भी सवाल है। मौत के साए में आकर मौत से मिलते हैं लोग, मौत के साए में आकर मौत से मिलते हैं लोग, ये सब नज़र का फरेब है, ये इश्तहारे कमाल है। मौत के साए में आकर मौत से मिलते हैं लोग, ये सब नज़र का फरेब है, ये इश्तहारे कमाल है। इसके भाई माफ़ करना, दो ही शेर याद आ रहे हैं इस समय मुझे, और जिस शेर की आपने फरमाइश की थी वो तो मैंने सुनाई दिया। मैं सर कह रहे हैं अभी काफ़ी समय सुनाओ, जितेंद्र ज़्यादा रिपीट मत करो। अच्छा भाई, मैं एक अलग गज़ल सुना रहा था, इसमें बीच में प्रवीण पांडे की फरमाइश थी। बाबा हमको बात बताया करते थे, बाबा हमको बात बताया करते थे, पेड़ यहाँ थे सर पे साया करते थे, उस दुनिया को तौर तरक्की लील गया, उस दुनिया को तौर तरक्की लील गया, जिस दुनिया में जुगनू आया करते थे, उस दुनिया को तौर तरक्की लील गया, जिस दुनिया में जुगनू आया करते थे, वो भी इधर उधर की बातें करते थे, वो भी इधर उधर की बातें करते थे, हम भी कब जज्बा जताया करते थे, वो भी इधर उधर की बातें करते थे, हम भी कब जज्बात जताया करते थे, ये कहना कि हमने झूठ नहीं बोला, 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 हम चेहरे को चांद बताया करते थे, ये कहना कि हमने झूठ नहीं बोला, हम चेहरे को चांद बताया करते थे, ये क्या मसीहा इनसे पहले और भी थे, ये क्या मसीहा इनसे पहले और भी थे, वो भी ऐसे ख्वाब दिखाया करते थे, ये क्या मसीहा इनसे पहले और भी थे, वो भी ऐसे ख्वाब दिखाया करते थे, वो भी ऐसे ख्वाब दिखाया करते थे, अपना बचपन ऐसे दौर में बीता है, अपना बचपन ऐसे दौर में बीता है, जब बंजारे गांव में आया करते थे, चंद खिलौने चांद के टुकड़े होते थे, ये आखिरी शेर है इसका, चंद खिलौने चांद के टुकड़े होते थे, जिनकी खातिर आंसू जाया करते थे। 15 मिनट अभी मेरे पास है, मैसर ने बताया। वह पांडे कह रहे हैं कि मुझको ये सब क्या लगता है मेरी जान। पांडे जी ये तो अभी अभी मैंने आपके आने से पहले शायद कर दिया, ये तो ये हो गया। बहुत दिनों बाद शानदार शहर, वह सर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत पसंद आ रहा है सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा मैं जो मैं लिखता हूँ जिसके लिए मैं सोचता हूँ कि वो मेरा ज़्यादा अच्छी कमांड है, वहाँ पे थोड़ा मैं उधर की तरफ चलता हूँ और एक दो गज़ल और पेश कर देता हूँ मैं। कत्ल करके उल्फतें सारे जहान की, कत्ल करके उल्फतें सारे जहान की, कत्ल करके उल्फतें सारे जहान की, अब ईंट ना निकालिए जर्जर मकान की, कत्ल करके उल्फतें सारे जहान की। प्रमोद भाई बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया भाई। कत्ल करके उल्फतें सारे जहान की, अब ईंट ना निकालिए जर्जर मकान की, कत्ल करके उल्फतें सारे जहान की, अब ईंट ना निकालिए जर्जर मकान की। ये भी बड़ा अजीब है जुल्मो सितम की बात, ये भी बड़ा अजीब है जुल्मो सितम की बात, किसको बयान करनी थी किसने बयान की, ये भी बड़ा अजीब है जुल्मो सितम की बात, किसको बयान करनी थी किसने बयान की। अपनी ज़मीन पर यहाँ बारूद बिछाकर
अपनी ज़मीन पर यहाँ बारूद बिछा कर, अपनी ज़मीन पर यहाँ बारूद बिछा कर, बात करते हैं वहाँ पर आसमान की। अपनी ज़मीन पर यहाँ बारूद बिछा कर, बात करते हैं वहाँ पर आसमान की। ये हमारे दौर के हिटलर का दौर है, ऐसा मुझे लगता है, आप भले इस इत्तेफाक ना रखते हो। ये हमारे दौर के हिटलर का दौर है, लगता है घड़ी आ रही है इम्तिहान की। ये हमारे दौर के हिटलर का दौर है, लगता है घड़ी आ रही है इम्तिहान की, लगता है घड़ी आ रही है इम्तिहान की। सवाल अपने घर जनों के वजूद पर, सवाल अपने घर जनों के वजूद पर, ये तो न दास्तान थी इस ख़ानदान की। सवाल अपने घर जनों के वजूद पर, ये तो न दास्तान थी इस ख़ानदान की, ये तो न दास्तान थी इस ख़ानदान की। मंदिरों मस्जिद ज़रूरी हैं सो मौजू हैं, मंदिरों मस्जिद ज़रूरी हैं सो मौजू हैं, मंदिरों मस्जिद ज़रूरी हैं सो मौजू हैं, क्या ज़रूरत है यहाँ गेहूँ की धान की। मंदिरों मस्जिद ज़रूरी हैं सो मौजू हैं, क्या ज़रूरत है यहाँ गेहूँ की धान की, क्या ज़रूरत है यहाँ गेहूँ की धान की। उनने ये जमहूरियत का हश्र किया है, जमहूरियत मीन्स डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। उनने ये जमहूरियत का हश्र किया है, सौगंध लेकर आए थे जो संविधान की। उनने ये जमहूरियत का हश्र किया है, सौगंध लेकर आए थे जो संविधान की। सच कहूँ तो अब यहाँ बाजों का राज है, सच कहूँ तो अब यहाँ बाजों का राज है, किसको पड़ी है अब यहाँ चिड़िया की जान की। सच कहूँ तो अब यहाँ बाजों का राज है, किसको पड़ी है अब यहाँ चिड़िया की जान की। मैं शायर हूँ, मुझको फ़कत दरकार है कलम, ये इसका आखिरी शेर है। मैं शायर हूँ, मुझको फ़कत दरकार है कलम, मैं शायर हूँ, मुझको फ़कत दरकार है कलम, शिकारी तू तुझे दरकार है तीरों कमान की। मैं शायर हूँ मुझको फ़कत दरकार है कलम, शिकारी तू तुझे दरकार है तीरों कमान की। सिद्धार्थ गुप्ता भैया, बहुत शुक्रिया आपका। महेश सर, ज़मीन पर बारूद, हाँ सर, अपनी ज़मीन पर यहाँ बारूद बिछा कर, बात करते हैं वहाँ पर आसमान की। मंदिरों मस्जिद ज़रूरी हैं सो मौजू हैं, क्या ज़रूरत है यहाँ गेहूँ की धान की। बिरजू यादव, शुक्रिया भाई, आप बने हुए हो अभी तक झेल रहे हो, इसके लिए बहुत शुक्रिया भाई। प्रेम पांडे, कटाक्ष छाज की व्यवस्था पर बहुत शानदार, बहुत थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। भैया पांडे, बहुत शुक्रिया भाई। एक दो गज़ल और इसी तरह से सुना देता हूँ मैं आपको। बात खुलकर आ गई है कम से कम अच्छा हुआ, बात खुलकर आ गई है कम से कम अच्छा हुआ, हाँ मगर ये है कि अपने साथ में धोखा हुआ। बात खुलकर आ गई है कम से कम अच्छा हुआ, हाँ मगर ये है कि अपने साथ में धोखा हुआ। बात खुलकर आ गई है कम से कम अच्छा हुआ, हाँ मगर ये है कि अपने साथ में धोखा हुआ। ना समझ एक ना खुदा और सब के सब उसके सवार। ना खुदा मीन्स नाव चलाने वाला, मालिक। ना समझ एक ना खुदा और सब के सब उसके सवार, ना समझ एक ना खुदा और सब के सब उसके सवार, सब तुम्हारे सामने है देख लो फिर क्या हुआ। बात खुलकर आ गई है कम से कम अच्छा हुआ, हाँ मगर ये है कि अपने साथ में धोखा हुआ। ना समझ एक ना खुदा और सब के सब उसके सवार, सब तुम्हारे सामने है देख लो फिर क्या हुआ। देखने में हमको तुमको जो अचानक सा लगा, देखने में हमको तुमको जो अचानक सा लगा, दरअसल वो खेल था सोचा हुआ समझा हुआ। देखने में हमको तुमको जो अचानक सा लगा, दरअसल वो खेल था सोचा हुआ समझा हुआ। और ये इस शेर के लिए मैंने ये गज़ल लिखी थी, वो इसमें ये है कि दरअसल वो खेल था सोचा हुआ समझा हुआ, आप ही हमको बताओ मरने वाले गाये थे, आप ही हमको बताओ मरने वाले गाये थे, आदमी थे ना आखिर मर गए तो क्या हुआ। आप ही हमको बताओ मरने वाले गाये थे, आदमी थे ना आखिर मर गए तो क्या हुआ।
दूर तक दिखती नहीं कोई बगावत की लहर, दूर तक दिखती नहीं कोई बगावत की लहर, पानी भी सड़ न जाएगा कहीं ठहरा हुआ। दूर तक दिखती नहीं कोई बगावत की लहर, पानी भी सड़ न जाएगा कहीं ठहरा हुआ। हम खुशामद करते करते भी मरेंगे एक दिन, हम खुशामद करते करते भी मरेंगे एक दिन, हम तुम खुशामद करते करते भी मरोगे एक दिन। तुम कबूतर हो तो समझो बाज अमरीका हुआ। हम खुशामद करते करते भी मरेंगे एक दिन, हम कबूतर हैं तो समझो बाज अमरीका हुआ। जश्न के लायक तो अपने मुल्क में कुछ था नहीं, जश्न के लायक तो अपने मुल्क में कुछ था नहीं, जश्न के लायक तो अपने मुल्क में कुछ था नहीं, किस खुशी में मुल्क के भीतर बड़ा जलसा हुआ। जश्न के लायक तो अपने मुल्क में कुछ था नहीं, किस खुशी में मुल्क के भीतर बड़ा जलसा हुआ। पहले मिलजुल कर के रहते ये आखिरी शेर इसका, पहले मिलजुल कर के रहते थे सभी अपने यहाँ, फिर धर्म लाए भाईचारा तब कहीं झगड़ा हुआ। ज्योति सेन, वेरी गुड, कीप गोइंग, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सिद्धार्थ गुप्ता, क्या बात है, थैंक यू भैया। नव पांडे, थैंक यू भैया। ये मेरे ख्याल से अभी कुछ दो चार मिनट बची हैं या हो गया समय, मुझे पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। कुछ एक दो और सुनानी चाहिए या हो गया बस? राजकुमार चौधरी, अमेजिंग, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। मैं एक गज़ल और एक गज़ल की चंद सिर आपको सुना देता हूँ। कब कहीं झगड़ा हुआ, निर्णायक से, थैंक यू पांडे जी। एक और सुना मैं सर, ठीक है सर, मैं एक दो और सुना देता हूँ आपको। अभी मुझे लग रहा है कि दो चार मिनट शायद बची होंगे। पहले गलती होने पर डरते थे शर्म हया से लोग, रश्मि रूपा, थैंक यू। पहले गलती होने पर डरते थे शर्म हया से लोग, पहले गलती होने पर डरते थे शर्म हया से लोग। एक और सबकी फरमाइश है, एक और, चलो एक और एक दो दो सुना देता हूँ मैं आपको। मेरे जो होमवर्क में थी वो दो और। सिद्धार्थ गुप्ता भैया कह रहे हैं एक और सुनाओ। अच्छा अभी है 5 मिनट, ठीक है सर, मैं 5 मिनट में एक और कर देता हूँ। पहले गलती होने पर डरते थे शर्म हया से लोग, पहले गलती होने पर डरते थे शर्म हया से लोग, लाशों पर भी हंसने वाले हाय ये खून के प्यासे लोग। पहले गलती होने पर डरते थे शर्म हया से लोग, लाशों पर भी हंसने वाले हाय ये खून के प्यासे लोग। क्यों इस बात से अनजाने हैं अब तक लाखों लाखों लोग, क्यों इस बात से अनजाने हैं अब तक लाखों लाखों लोग। सारे तिगड़म करते हैं मुट्ठी भर चंद जरा से लोग, क्यों इस बात से अनजाने हैं अब तक लाखों लाखों लोग। सारे तिगड़म करते हैं मुट्ठी भर चंद जरा से लोग। मातम में मजलूम है केवल आफत तो मजदूर पे है, मातम में मजलूम है केवल आफत तो मजदूर पे है, करने को तो ऐश करेंगे अब भी अच्छे खासे लोग। मातम में मजदूर है केवल आफत तो मजदूर पे है, करने को तो ऐश करेंगे अब भी अच्छे खासे लोग। तूने इनके मर जाने का पूरा बंदोबस्त किया, तूने इनके मर जाने का पूरा बंदोबस्त किया, जाने किस उम्मीद पे जिंदा थे ये भूखे प्यासे लोग। तूने इनके मर जाने का पूरा बंदोबस्त किया, जाने किस उम्मीद पे जिंदा थे ये भूखे प्यासे लोग। अहले हुकूमत दावा करते हैं कि सब कुछ चंगा से, अहले हुकूमत, हुकूमत वाले लोग, अहले हुकूमत दावा करते हैं कि सब कुछ चंगा से। या आखिरी शेर इसका कि तूने इनके मर जाने का पूरा बंदोबस्त किया, जाने किस उम्मीद पे जिंदा थे ये भूखे प्यासे लोग।
अहले हुकूमत दावा करते हैं कि सब कुछ चंगा सी, अहले हुकूमत दावा करते हैं कि सब कुछ चंगा सी, सिर्फ गुजारा करते हैं पानी और हवा से लोग, सिर्फ गुजारा करते हैं पानी और हवा से लोग। पसीना आ गया राजकुमार चौधरी भाई, पंखा बंद कर रखा है ताकि आवाज़ अच्छी आए। ये आज स्वतंत्रता दिवस है, आप सभी को उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। उस पर किसी को, इस संघर्ष पर, इस आज़ादी के संघर्ष पर किसी को एक बहुत अच्छा सिर है कि वो लोग जिन्होंने खून देकर इस चमन को जीनत बख्शी है। ये शेर पता नहीं किसका है लेकिन बहुत अच्छा शेर है कि वो लोग जिन्होंने खून देकर इस वतन को जीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ है गुमनाम न जाने कितने हैं, दो चार से दुनिया वाकिफ है गुमनाम न जाने कितने हैं। तो जिनसे हम वाकिफ हैं उनका भी, और जो जो गुमनाम है उनका भी हम बहुत शुक्रगुजार, उनके शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी जान से, उनके खून से हमें आज़ादी मिली है। मैं सर, थैंक यू सर, ये सर सब आपकी मेहरबानी है, आपकी वजह से ये हो पाया है। और सोनम यादव, मज़ा आ गया भाई, थैंक यू। और देवेंद्र जोशी सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने मुझे अपनी बात रखने का एक इतना अच्छा अवसर दिया है। ये गज़ल मैं जो ख़ास लेके आया था, आज आज़ादी का दिन है तो मैं वो बहुत ख़ास लेके आया था। मुझे पता नहीं समय हुआ है कि नहीं, लेकिन वो मुझे लालच आ रहा है उसे सुनाने का, वो मैं सुना देता हूँ आपको। कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को, जैसा कि 370 आया था, उसके बाद एक साल से ज़्यादा, 1 साल 10 दिन हो चुके हैं। मैं वहाँ की हालात पे मैंने कुछ लिखा था उस समय, उससे हो सकता है आप इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन मैं अपना व्यू रखना चाहता हूँ उस मामले पे। गज़ल का एक मतलब है कि सरकारी फरमान ने लोगों के घर जेल बनाए हैं। महेश कुमार सर कह रहे हैं, सुना दे। सरकारी फरमान ने लोगों के घर जेल बनाए हैं, सरकारी फरमान ने लोगों के घर जेल बनाए हैं, शहर में वीरानी के मंजर बंदूकों के साए हैं। सरकारी फरमान ने लोगों के घर जेल बनाए हैं, सरकारी फरमान ने लोगों के घर जेल बनाए हैं, शहर में वीरानी के मंजर बंदूकों के साए हैं। इसी ज़मीं की पैदाइशें इसी पे उम्रें गुजरी हैं, इसी ज़मीं की पैदाइशें इसी पे उम्रें गुजरी हैं, उनको अब मालूम हुआ है कि वे लोग पराए हैं। सरकारी फरमान ने लोगों के घर जेल बनाए हैं, शहर में वीरानी के मंजर बंदूकों के साए हैं। इसी ज़मीं की पैदाइशें इसी पे उम्रें गुजरी हैं, उनको अब मालूम हुआ है कि वे लोग पराए हैं। बस कुछ लाख लोग ही अपने हक से तो महरूम हुए, बस कुछ लाख लोग ही अपने हक से तो महरूम हुए, सारी दुनिया इतनी खुश है फिर हम क्यों घबराए हैं। बस कुछ लाख लोग ही अपने हक से तो महरूम हुए, सारी दुनिया इतनी खुश है फिर हम क्यों घबराए हैं। पहले थे कुछ कलम नशीं, पहले थे कुछ कलम नशीं जो शायर कवि के भेष में थे, पहले थे कुछ कलम नशीं जो शायर कवि के भेष में थे, सबके सब दरबारी निकले सब ने बंधन गाए हैं। पहले थे कुछ कलम नशीं जो शायर कवि के भेष में थे, सबके सब दरबारी निकले सब ने बंधन गाए हैं। किसको हैरत ये माली की मेहनत है या साजिश है, किसको हैरत ये माली की मेहनत है या साजिश है, किसको हैरत ये माली की मेहनत है या साजिश है। जितने फूल खिले थे सारे के सारे मुरझाए हैं, जितने फूल खिले थे सारे के सारे मुरझाए हैं। और ये शेर आखिर ये है इसका कि कौन इन्हें ताईद करेगा कौन इन्हें समझाएगा, कौन इन्हें ताईद करेगा कौन इन्हें समझाएगा, इनकी मर्जी जो भी कर लें ये बहुमत से आए हैं, इनकी मर्जी जो भी कर लें ये बहुमत से आए हैं। ये मुझे लगता है काफ़ी हो गया आज के लिए, बहुत मार्मिक। अच्छा सर, थैंक यू।
तो इस सब के लिए मैं ख़ास तौर से महेश सर का और जोशी सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनका बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बात इतने बेहतरीन मंच पर रखने का मौका दिया। जन सरोकार मंच का भी मैं बहुत आभारी हूँ। और जो भी लोग जिन्होंने भी अपने बेशकीमती समय में से कुछ समय निकाल के सुनने की जहमत की है, मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल।